अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। आपने चैप्टर को थोरली सारा रीड करना है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हर चैप्टर में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन का सेशन लास्ट में आता है। तो डिफ्रेंशिएट आपने तैयार करने हैं जूलॉजी और बॉटनी के बारे में, बायोकेमिस्ट्री और मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसके अलावा आपने व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इशूज नाउ आर डेज, इसके अलावा आपने बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री अच्छे तरीके से तैयार करना है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी के बारे में आपने पढ़ना है, फोर यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपने फेमस बुक ऑफ जाबिर बिन हयान के बारे में आपको बताओ, अब्दुल मलिक इस्माई के बारे में बताओ, पैरासाइट्स क्या है, बायोस्फीयर लेवल क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट जेनेटिक्स क्या है, राइट कंपैरिजन बिटवीन सेल लेवल टिश्यू लेवल क्या है, हैबिटेट के बारे में बताओ, स्पेसिस के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या है, टू एग्जाम्पल्स इसकी प्रिपेयर होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट बताओ, साइंटिफिक नेम एंड टू टाइप्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट बताओ, ऑब्जर्वेशंस क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, इसके अलावा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट क्या है, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस क्या है, हाउ द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स इज डन क्या है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ बताओ, व्हाट आर द फोर मेजर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मलेरिया इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी आपको बताओ, अबाउट मलेरिया के ऑब्जर्वेशन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा व्हाट इज मेंट बाय द प्रोडक्टिव थ्योरी आपको बताओ, राइट द रोल ऑफ द कंट्रोल ग्रुप इन द एक्सपेरिमेंट्स बताओ, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द AFA किंग के बारे में आपको क्वेश्चंस बताओ, मस्टर्ड के बारे में, मस्टर्ड प्लांट्स के बारे में आपको बताओ, इसके अलावा आपको डिडक्शंस के बारे में बताओ, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शंस क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, राइट डाउन द नेम ऑफ द मॉस्किटो विच स्प्रेड डीगल फीवर क्या है, बायोलॉजिकल मेन स्टेप्स उसके प्रिपेयर करने हैं आपने, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्शन थ्योरी अच्छे तरीके से बताओ, व्हाई डस फीमेल मॉस्किटो नीड ब्लड ऑफ द एनिमल्स बताओ, व्हाई वल्ज अपीयर व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स क्या है, इसके अलावा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है, राइट टू पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है, डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड गिव द ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द फाइव किंगडम सिस्टम क्या है, राइट डाउन द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द ह्यूमन एंड पी क्या है, हाउ डू वी राइट साइंटिफिक नेम्स गिव एन एग्जाम्पल, व्हाट आर द टू एग्जाम्पल्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम फंजाई क्या है, इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम मोनेरा अच्छे तरीके से तैयार करना, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा आपने व्हाट इज द रोल ऑफ द ओवर हंटिंग एंड एक्सटिंक्शंस क्या है, राइट डाउन एनी फोर मेजर कॉजेस ऑफ द स्पेसिस एक्सटिंक्शंस क्या है, नेम थ्री एंडेंजर्ड स्पेसिस इन पाकिस्तान क्या है, व्हाट इज द मेंट बाय द एंडेंजर्ड स्पेसिस क्या है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द ह्यूबेरा बस्टर्ड एंड मार्को पोलो शीप क्या है, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड क्या है, टैक्सोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिस्मेटिक्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन बताओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग पता हो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पता होना चाहिए, इसके अलावा हाइपरटोनिक सोल्यूशन पता होनी चाहिए, इसके अलावा वेयर रिबोसोम्स आर लोकेटेड, व्हाट रोल दे प्ले, व्हाट इज द रोल ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, टू ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, टर्गर प्रेशर इन द टर्गर क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द फैसिलिटेड डिफ्यूज क्या है, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द स्पॉटिंग टिश्यू एंड प्लांट क्या है, बिटवीन आपने सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू के बारे में अच्छे तरीके से याद करना है, इसके अलावा आपने प्लास्मोलाइसिस अच्छे तरीके से याद करना है, इसके अलावा आपने एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपने याद करना है क्रॉसिंग ओवर के बारे में, इसके अलावा मेटास्टासिस के बारे में अच्छे तरीके से याद करना है, नेक्रोसिस के बारे में अच्छे तरीके से याद करना है, डिफाइन रिजनरेशन के बारे में अच्छे तरीके से याद करना है, क्रोमोसोम और क्रोमेटिशन के बारे में, क्रोमेशन और क्रोमोसोम के डिफ्रेंशिएट याद करना है, इसके अलावा डिस जंक्शन एंड नॉन डिस्ट्रिक्शन के बारे में अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है, व्हाट इज मेंट बाय द अपोप्टोसिस क्या है, टू एडवांटेजेस आपने याद करने, अपोप्टोसिस के साइटोकाइनेसिस के बारे में अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, ओकर इन द प्लांट्स इसके बारे में पढ़ना है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में अच्छे तरीके से तैयार करना है, व्हाट इज मेंट बाय द ट्यूमर गिवन एग्जांपल, व्हाट इज सिनेप्सिस क्या है, डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस क्या है, इसके अलावा आपने व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट फेसेस अच्छे तरीके से याद कर लेना, साइकिल सेल और फेज ऑफ द साइकिल सेल अच्छे तरीके से याद करना है, राइट द नेम ऑफ द डिफाइन टू मेथड सेल डेथ के बारे में तैयार करना है, माइटोसिस और मिटोटिक स्पाइंडल अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसके अलावा व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर सफीला के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लेना है, व्हाट आर बायो कैटालाइज क्या है, एक्सप्लेन आपने ब्रीफली अबाउट मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से याद करना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में आपने पढ़ना है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंजाइम के बारे में, कोएंजाइम के बारे में, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है, इसके अलावा इन विच मीडियम पेप्सिन एंड
trypsin enzyme work? How pH of the medium affects the function of an enzyme? What do you mean by specificity of enzyme? Differentiate between आपने prosthetic group और coenzyme के बारे में अच्छे तरीके से कर लीजिएगा. Differentiate between substrates and products के बारे में अच्छे तरीके से prepare कर लीजिएगा. Define aerobic and anaerobic respiration अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. Krebs cycle के बारे में इसके अलावा आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. Lactic acid fermentation light reactions अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. What is meant by the pigment? Which color of light absorbed by chlorophyll अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. What are necessary pigment? Give an example. What is oxidation अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. Reduction के बारे में अच्छे तरीके से prepare कर लीजिएगा. What do you know about electron transport chain अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. FADNAD तैयार कर लीजिएगा. रोल ऑफ आयरन ह्यूमन बॉडी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. डिजीजेस के बारे में पढ़ लीजिएगा. डेफिनेशनसी ऑफ विटामिन डी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा. पेस्टिलाइसिस क्या है? स्मोकिंग अपने मेजर कॉजेस ऑफ द आपने तैयार करने हैं. अल्कर के बारे में, अल्कर के मेजर कॉजेस क्या हैं. इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रंस और माइक्रो न्यूट्रंस अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं. स्कर्वे क्या है? सिम्टम्स उसके प्रिपेयर करने हैं. डायरिया क्या है? कॉन्स्टिपेशन क्या है? उसके सिम्टम्स अच्छे तरीके से तैयार करने हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अच्छे तरीके से तैयार करने हैं. कैल्शियम पोटेशियम के रोल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. व्हाट इज मेंट बाय द मेरोसोमस क्या है? व्हाट इज मेंट बाय द विली क्या है? गॉल ब्लैडर क्या है? कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विटामिन डी क्या है? व्हाई द ह्यूमन हेड इज कॉल्ड डबल पंप क्या है? ट्रांसपिरेशन इज एसेसिव फॉर द प्लांट्स क्या है? राइट डाउन फोर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है. व्हाट इज मेंट बाय द कार्डियक क्या है? इसके अलावा आपने डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज वेन आर्टरीज अच्छे तरीके से याद करना है. व्हाट इज द एंजिना पेक्टोरिस क्या है? राइट टू सिम्टम्स याद करना है. फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स क्या है? डिफाइन सोर्स एंड सिंक क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज वेन्स अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा. कार्डिक साइकिल क्या है? पुलमनरी सर्कुलेशन क्या है? सिमेटिक सर्कुलेशन क्या है? इसके अलावा फाइब्रिनोजेशन क्या फंक्शन उसके अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. व्हाट इज मेंट बाय हार्ट रेट एंड पल्स रेट क्या है? इसके अलावा हाउ ट्रांसपिरेशन रेट अफेक्ट्स व्हेन एयर मूवमेंट चेंजेस क्या है? व्हाट इज ब्लड? राइट द नेम ऑफ पार्ट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. एंजियोप्लास्टी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. बाईपास सर्जरी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. डिफरेंसिस बिटवीन थोरबस एंड एम्ब्लस अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इन एनिमल्स तैयार कर लीजिएगा. फंक्शन ऑफ द आपने ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ द एरोबिक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. रिस्पिरेशन सिम्टम्स आपने तैयार करने हैं. डेंगू फीवर के 2 points आपने सिग्निफिकेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन कोफैक्टर को एंजाइम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा. हाउ विल यू डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड बोलस तैयार कर लीजिएगा. न्यूट्रिशन तैयार कर लीजिएगा. इसके अलावा आप एंजाइम्स के करैक्टरिस्टिक्स तैयार कर लीजिएगा. डिफरेंस बिटवीन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म अच्छे तरीके से तैयार कर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आयरन एंड कैल्शियम इन ह्यूमन डाइट अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. सिस्टोल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. डायस्टोल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. व्हाट इज मेंट बाय द फंक्शन इन विटामिन्स तैयार कर लीजिएगा. माइटोसिस अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. कोफैक्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. एरोबिक एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. व्हाट इज फार्मिंग गिव टू एग्जांपल ऑफ द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. इसके अलावा व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन पूल गिव रीजन फॉर एक्सक्रेशन तैयार कर लीजिएगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी डिफाइन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. व्हाट इज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. हाउ डिटेक्शन द फॉर्म गिवन एग्जांपल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. प्रोकैरियोट्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तैयार कर लीजिएगा. 3 important विटामिन विच आर यूज्ड इन द को एंजाइम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. डेफिनेशन आपने याद करनी है माइटोसिस की, मियोसिस की, फर्टिलाइजर की. हाउ इज प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. रिस्पिरेशन एंड सेलुलर और रिस्पिरेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. स्पाइसेस के बारे में आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. हाउ फंजाई डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. साइटोकाइनेसिस अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. एटीपी के बारे में अच्छे तरीके से तैयार. रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. यूजेस ऑफ एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री याद कर लीजिएगा. ड्राउट क्या है या आप अच्छे तरीके से मॉर्फोलॉजी की हिस्टोलॉजी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. डेफिशिएंसी व्हाट विच डिजीज ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी विटामिन सी फ्रॉम विच सोर्सेस वी गेट दिस विटामिन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. पल्स याद कर लीजिए. कॉन्स्टिपेशन का सिस्टम तैयार कर लीजिएगा. व्हाट डू यू मीन बाय द सोर्सेस एंड सिंक्स अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. राइट ऑन इंपॉर्टेंस एंड स्लेवर फॉर मॉस्किटो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. आपने साइंटिफिक मेथड अच्छे तरीके से तैयार करना है. थ्योरी एंड लॉ अच्छे तरीके से तैयार करना है. इंटरफेस अच्छे तरीके से तैयार करना है. माइटोसिस फेस अच्छे तरीके से तैयार करना है. डिप्लर सेल अच्छे तरीके से तैयार करना है. 6 important बायो एलिमेंट्स अच्छे तरीके से तैयार करना है. इसके अलावा आपने मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड माला एंड एरिया अच्छे तरीके से तैयार करना है. टैक्सोनॉमी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है. राइट द नेम ऑफ द स्टेप्स ऑफ द सेल वॉल सेल साइकिल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा.
डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ जीआई फेज अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ट्यूमर जस्ट फॉर द ह्यूमन बॉडी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर को थोड़े रीड कीजिएगा, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको 9th क्लास के बायो के गैस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आई एम मेहर को हैप्पी लर्निंग के साथ इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते जाए। अल्लाह हाफिज़।